सिलेंडर की कीमत कम करो, सिलेंडर की कीमत कम करो। शिवराज सिंह चौहान हाय हाय, शिवराज सिंह चौहान हाय हाय। मोदी जी एक काम करो, चूड़ी पहनेंगे डांस करो। मोदी जी एक काम करो, चूड़ी पहनेंगे। अजय नगर में महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बस स्टैंड प्रांगण में किया गया धरना प्रदर्शन। बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं व कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए। बस स्टैंड में हुई आम सभा में अमरवाड़ा विधायक कमलेश साह एवं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सतवंत कौर एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा भाजपा की नीतियों पर जमकर किया प्रहार। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अमरवाड़ा विधायक कमलेश साह, जिला महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्रीमती सतवंत कौर, प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी सचिव श्रीमती कामिनी साह, जनपद पंचायत पूर्व अध्यक्ष श्रीमती केसर नेताम, ब्लॉक पर्यवेक्षक नंद सूर्यवंशी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सीताराम जहरिया, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमाशंकर साहू एवं ब्लॉक यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन नेमा उपस्थित थे। इन सभी के द्वारा भाजपा की गलत नीतियों पर बोला गया। हर रही से हमारे साथ है संवाददाता राजेश नेमा। ठेला वाला हो चाहे पान ठेला वाला हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे किसान हो, सरकार एक तरफ कहती है कि हमने आम आदमी के साथ साथ सभी वर्ग के व्यक्तियों के लिए बहुत सी योजनाएं लेकर आए। योजनाओं का तो पता नहीं, मगर आज आदमी चाहे किसी भी संस्था में चले जाओ, तहसील चले जाओ, बैंक चले जाओ, अस्पताल चले जाओ, पुलिस थाना चले जाओ, सब जगह परेशान। बिगर पैसे दिए ना आपके काम होते हैं और पैसे देने के बाद भी आपके काम नहीं होते। सरकार बहुत अच्छी अच्छी योजना लेकर आती, मगर वो योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। सम्मानी कमलनाथ जी आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेंगे, जो अधिकार आज सरपंचों के पास नहीं है, जो जनप्रतिनिधियों के पास नहीं है, जनपद वालों के पास नहीं है, जिला पंचायत वालों के पास नहीं, वो चाहते हैं कि आप लोगों के काम हो, आपका कार्ड बने, आपकी पेंशन जुड़े, आपके नाम गरीबी रेखा में जुड़े। वो अधिकार तब मिलेंगे जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में होगी। आप लोगों से निवेदन है कि ऐसी सरकार को आने वाले समय में अपने क्षेत्र से अपने गांव से बाहर करें और सम्मानी कमलनाथ जी का हाथ अपने गांव से अपने बूथ जी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जब से अध्यक्ष पद का दायित्व दिया गया है और आदरणीय कमलनाथ जी जब भी किसी भी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, अपनी जनसभा यदि वहां की है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ज़्यादा उनकी जनसभा में लोग पहुँच रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जनसभा में तो जिला कलेक्टर से लगाकर कुटवार तक को आदेश दिया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या पहुँचाएँ। आदरणीय कमलनाथ जी की आत्मीयता की जो भावना के हिसाब से लोग उस जनसभा में पहुँच रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और मैं चाहता हूँ कि जनहित में कांग्रेस और कमलनाथ इस मध्य प्रदेश में अपना अग्निशर पद रखेंगे, ऐसी हम संभावना और ऐसा रुझान है। आज हर वर्ग, युवा वर्ग हो चाहे कर्मचारी हो चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो, वो हर वर्ग परेशान महसूस कर रहा है, क्योंकि हम हर जगह अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं कि युवा भी परेशान है, हमारी बहनें भी परेशान हैं। बलात्कार की यदि बात करें तो यदि राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर यदि कोई बलात्कार की यदि कोई रिपोर्ट है तो राज्य मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बलात्कार की रिपोर्ट है। और आत्मदाह की यदि कोई बात करें तो किसानों की आत्मदाह मध्य प्रदेश के अंदर है। पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल में यदि सबसे ज़्यादा बैट की बात करें तो मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के रेट अधिक हैं।
तो मैं ये चाहता हूँ कि आने वाली सरकार आज के कार्यक्रम में हमारे भाई कमलेश्वर जी और जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती कौल जी और अन्य लोगों ने जो हमें सहयोग किया, जिसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और यहाँ पर उपस्थित जितनी भी हमारी हजारों की संख्या में जो हमारी माताएं बहनें उपस्थित हुई, उनके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। आने वाले समय में भाजपा को उखाड़ने का भी संकल्प हमारे सभी संगठनों ने लिया है। हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश से बाहर करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ में